हेलो दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं एलपी सीबीटी टू बीपीएससी क्लास नंबर 25। तो 1/4 शतक के पास हैं आज क्लास के बारे में। तो ये आईटीआई इलेक्ट्रिशियन डिप्लोमा डिग्री, और जिसका टॉपिक रहेगा डीसी मशीन। और डीसी मशीन में मोटर और जनरेटर होता है, लेकिन ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है जहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। और टोटल ओनली 6 क्वेश्चन को लेंगे यहाँ, और 6 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से बनाएंगे। एक ही प्रश्न को 6 भाग में बताएंगे, संख्यात्मक प्रश्न जिसको हिंदी में बोलते हैं। और ये प्रश्न आपको हिंदी में मिलेगा, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइफ एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ही प्रश्न है, जिससे हम 151 से लेके 156 तक प्रश्न हल करेंगे। यहाँ 55 राइट हो गया है। तो प्रश्न आप पढ़ लीजिए। एक 4 पोल, ध्यान से पढ़िएगा, वेव वाइंडिंग शंट मोटर है। वाइंडिंग देख लीजिएगा, वेव वाइंड है और ये शंट मोटर है, जिसके फ्लक्स 0.03 वेबर है। आर्मेचर में 39 स्लॉट है, 39 स्लॉट है, और एक स्लॉट में 12 कंडक्टर है, जिसका आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.25 ओम है और फील्ड रेजिस्टेंस 120 ओम है। जब मोटर को 220 वोल्ट सप्लाई दी जाती है, यानी पावर दी जाती है, तब वो 42 एम्पियर करंट लेता है। तो इस प्रश्न में देख सकते हैं, सारी प्रश्न को हमने सम्मिलित किया है, जिससे हमें ये 6 प्रश्न को हल करना है। और 6 प्रश्न का हमें हिंदी में टाइप करके आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, प्रश्न संख्या 151 है, जिसमें कह रहा है इस संट मोटर को पैरेलल पाथ कितना होगा, यानी कितने पाथ से करंट फ्लो होंगे इस मोटर में। तो संट मोटर है, तो सबसे पहले आपने इसमें वीडियो में के क्वेश्चन में देखा था, इसमें वाइंडिंग कौन सी है, तो आप ध्यान से देखे होंगे। तो इसमें मोटर में वाइंडिंग किया गया था वेव, और वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ को हम डिनोट करते हैं ए से, और वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ ओनली 2 होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। अगर ये वाइंडिंग आपको लेफ्ट दिया हुआ होता है एल ई पी, तो ए इक्वल टू पी हो जाता है, यानी जितना पोल रहेगा उतना ही उसके पैरेलल पाथ हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वेव और लैप में भी एक प्रश्न आया करता है। प्रश्न संख्या 152 है, इसमें है इस संट वाइंडिंग में कितना करंट होगा। तो संट वाइंडिंग आपको, जैसे हमने मोटर की बात किया था, तो सबसे पहले क्या होता है आर्मेचर, और इसकी फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, इसके पैरेलल में लगी होती है। तो अरेंजमेंट की बात करेंगे, तो आपके पास अरेंजमेंट कुछ इस तरह का आएगा, और इसमें से 220 वोल्ट सप्लाई देने की बात किया जा रहा है। तो इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आपने देख रखा था, रेजिस्टेंस क्लियर दिया हुआ था 220 ओम, और इसमें अगर वोल्टेज की अप्लाई है 220, तो करंट किसी सर्किट में आपको निकालना हो तो सिंपल सी फार्मूला क्या लगाते हैं, आई, और यहाँ पर क्या है ए सी एच, यानी सेंट वाइंडिंग बराबर क्या होगा, वी बटे आर। वी बराबर आई आर को ही कन्वर्ट करके केवल यहाँ संट हो गया। तो वोल्टेज भी आपका 220 है यहाँ पे, और संट रेजिस्टेंस भी 220 है। तो दोनों को अगर कट करेंगे तो एक आएगा ये 1, और 1 क्या होगा, यूनिट एम्पियर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। 153 की बात करेंगे, तो यहाँ पे 153 नंबर में दिया हुआ है इस संट मोटर में आर्मेचर करंट कितना फ्लो होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में दिया हुआ था I इक्वल टू 42 एम्पियर, और हमने अभी पिछले क्वेश्चन में हल किया आई ए इक्वल टू 1 एम्पियर। तो यहाँ आई ए को अगर कहीं अगर आर्मेचर करंट निकालने के लिए बारे में पूछ दिया जाए, तो मेन लाइन करंट माइनस फील्ड करंट, अगर हम इसको घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर्मेचर करंट। तो यहाँ 42 माइनस 1 इक्वल टू 41 एम्पियर आएगा आपका करंट किसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर ए भी नहीं करना चाहें, अगर आप डायरेक्ट आर्मेचर करंट निकालना चाहें, तो इसके लिए भी आर्मेचर वोल्टेज भी और डिवाइडेड बाई आर्मेचर रेजिस्टेंस,
जो आर्मेचर रेजिस्टेंस आपके पास 0.25 एम्पियर दिया ओम दिया हुआ है और वोल्टेज 220 दिया हुआ था। तो इस तरह से करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है ये प्रश्न करने के लिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैं प्रिपेयर करूँगा कि आई ए बराबर आई माइनस आई एस एच, इस तरह से अगर आप निकालते हैं तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आर्मेचर करंट डायरेक्ट आप रखते हैं तो इसके साथ फील्ड करंट का फील्ड रेजिस्टेंस भी जुड़ जाएगा, इसलिए आपको ये कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इसको आप नहीं करें, सीधा डायरेक्ट आई ए बराबर आई माइनस आई एस एच करिए। यानी कुल मिला के हमारा जो मोटर का आर्मेचर करंट है लाइन करंट से कम होगा, क्योंकि थोड़ी बहुत करंट आपको फील्ड करंट में चली जाती है। तो कई लोग क्या करते हैं, 42 एम्पियर दिया हुआ रहता है और जो मेन करंट है उसी को आर्मेचर करंट समझ लेते हैं, ये थोड़ी सी मिस्टेक। प्रश्न संख्या 154 है, इस शंट मोटर का आर्मेचर में बैक ईएमएफ जिसको ईबी से डिनोट करते हैं कितना होगा। तो कई लोग यहाँ भी 220 वोल्ट जो सप्लाई हमने अप्लाई किया है उसी को आंसर कराते हैं, तो यहाँ वेरी बिग मिस्टेक होता है। लेकिन इसकी कैलकुलेशन होती है ईबी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए, जहाँ वी सप्लाई वोल्टेज है, आई ए आपका आर्मेचर करंट है और आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ अगर वी की वैल्यू हमने देखा था 220 दिया हुआ है, आई आपको दिया हुआ है 41 एम्पियर जो हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया है, और आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ था 0.25 ओम। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 220 माइनस 10.25 आएगा, 41 को जो करेंगे और इक्वल टू आएगा ये 209.75 या प्लस कुछ ऐसा आएगा, जो इक्विवेलेंट किसके है 210 वोल्ट का है, और यहाँ पे ऑप्शन देखिए डी में अवेलेबल है 210 वोल्ट। तो इस टाइप के प्रश्न को आपको बिल्कुल इजीली और सिंपल वे में करना है। और थोड़ी सी मैं इसके लिए बता दूँ कि बैक ईएमएफ 220 वोल्ट भी हो सकता है जब मोटर बंद हो, लेकिन जब आपके पास लाइन करंट और फील्ड करंट दिया हुआ है उस समय आपकी बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज से थोड़ी बहुत कम रहती है, और जब इक्वल हो जाएगी तो मोटर में फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाता है, इसलिए वो सिंक्रोनस मोटर कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, वो उस टॉपिक पे नहीं जाना है, आपको कंसेप्ट ये रखना है सप्लाई वोल्टेज से थोड़ी बहुत कम हो सकती है। अब हमारे पास 155 नंबर प्रश्न आ चुका है, इसमें कह रहा है एक शंट मोटर का आर्मेचर की चाल स्पीड किस पे घूमेगी, जो हमने वीडियो में दिया था कि उसमें करना था। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ हमने बहने यहाँ पे नहीं कैलकुलेट किए थे जेड नंबर ऑफ कंडक्टर, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ था 39 स्लॉट है और एक स्लॉट में 12 कंडक्टर है। तो यहाँ आपको 39 इंटू 12 पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी उपयोग है इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो ये 468 कंडक्टर होगा, और अगर हम कहें स्पीड की फॉर्मूला तो ये बैक ईएमएफ वाला से ही ड्राइव है, ई बी इंटू ध्यान दीजिएगा ई बी इंटू 60 गुने ए क्या होता था, नीचे होता था, लेकिन हम यहाँ बैक ईएमएफ को ऊपर ला लिए तो ये कन्वर्सन हो गया। और इसका क्या करते हैं, फाई जेड पी, अगर हम इसको ई बी बराबर करते तो स्पीड हमारा ऊपर के टर्म में रहता और ये थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी चेंज हो जाती। तो इस वाले फार्मूला पे आप इसको अगर रखेंगे तो हमारा सप्लाई वोल्टेज कितना था, बैक ईएमएफ दिया हुआ था 210/60 आपको फिक्स है। पैरेलल पाथ कितने थे यहाँ पे, दो हमने जो पहले भी क्वेश्चन में किए थे दो, और इसे अगर डिवाइड करेंगे फ्लक्स कितना था 0.03 वेबर हमने पढ़ देख रखा है, प्रश्न में दिया हुआ है। कंडक्टर जो हमने कैलकुलेट कर लिया 468, और उसके बाद हमारे पास पी नंबर ऑफ पोल कितने थे, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ पोल थे 4। अगर इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद 448.18 आएगा, और ये किस में रहेगा, आरपीएम में, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो यहाँ पे देखिए 448 आरपीएम दिया हुआ है, जो 448.18 के नियरेस्ट है। तो ये बिंदु इसके इस वीडियो का अंतिम प्रश्न इसमें है 156,
और सारा प्रश्न एक ही प्रश्न से हो रहा है जिसको हमने पहले बात कर लिए हैं। तो इस शंट मोटर के आर्मेचर टॉर्क कितनी होगी, तो आर्मेचर टॉर्क से भी प्रश्न आता है, इसको भी यहाँ भी हम सम्मिलित कर लेते हैं। तो टॉर्क निकालने के लिए आपके पास इक्वेशन होता है ई बी मल्टीप्लाई आई ए डिवाइडेड बाई 2 पाई एन, और एन है स्पीड जो हमने पिछले प्रश्न में निकाला था, और लेकिन एन की जो है इसे आपको निकालना है आर पी एस में, आर पी एम नहीं, रेवोल्यूशन पर मिनट नहीं, सेकंड में, क्योंकि यहाँ प्रश्न आपको न्यूटन मीटर में देना है जवाब। तो यहाँ पे आप इस वैल्यू को सारा रख लेंगे तो हमारे पास बैक ईएमएफ कितने थे, 210 था, आर्मेचर करंट 41 थे, 41 यहाँ देख लीजिएगा, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो रहा है, और नीचे की तरफ आप 2 रखेंगे और पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं, 1-2 आगे भी होता है, और उसके बाद एन की वैल्यू कितनी थी 448 स्पीड था इस मोटर का, लेकिन हमें इसे आरपीएस में बदलना है तो 60 से यहाँ 60 से आपको भगा देना पड़ेगा, और 60 को अगर यहाँ से कैंसिल करके यहाँ लाते हैं तो ऊपर की तरफ एक गुना में आ जाएगा, और इस टर्म को पूरा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा 51660 और 00 है, उसके बाद आप इसको 2815.23 और कुल मिला के इसको कैलकुलेट करेंगे तो करीब करीब आएगा 183.50 किस में आएगा, ये न्यूटन मीटर में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 183.50 ऑलरेडी दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो राइट आंसर है। तो इस तरह से देख सकते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कितने फॉर्मूले का यूज करके मैंने बताया है, बस यहाँ पे एक न्यूमेरिकल में आपको बच गया लॉसेज का और इफिशियंसी का, वो अगले वीडियो या नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। उम्मीद है कि आपको इस तरह से न्यूमेरिकल किसी भी एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।